हेलो गाइस, इट्स वीपी क्यूबा एंड इस वीडियो में आपको रूबिक्स क्यूब के 10 इजी ओएलएल पंप्स बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट इजीएस्ट ओएलएल केस है ओएलएल 45। ये वाला, ये देखिए टी शेप में बना रहता है और ये एच पीसेस दोनों अपोजिट साइड रहते हैं एंड ये कॉर्नर कॉर्नर पीस हेडलाइट के शेप में बना रहता है। एंड इसको बनाने का एल्गोरिदम है फ्रंट राइट अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड एंड फास्ट में। हमारा सेकेंड इजी ओएलएल केस है ओएलएल 44। ये देखिए ये पी शेप में बना रहता है एंड इसमें ये वाला एच पीस इस साइड रहता है और ये थ्री कॉर्नर, ये दो कॉर्नर पीसेस और एक पीस एच पीस दोनों एक साइड रहते हैं। ये देखिए मैच करते हैं। इसको बनाने का एल्गोरिदम है फ्रंट अप राइट अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड एंड फास्ट में। हमारा थर्ड इजी ओएलएल केस है ये ओएलएल 43। ये देखिए ये ओएलएल 44 का जस्ट अपोजिट है। इसमें हमने एल्गोरिदम जो यूज किया था फ्रंट अप राइट अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड एंड ये वाले में उसी का जस्ट मिरर मिरर फॉर्मूला होगा। इसका एल्गोरिदम है फ्रंट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड लेफ्ट अप राइट लेफ्ट फ्रंट एंड फास्ट में। फोर्थ इजी ओएलएल केस है ये क्रॉस वाला। इसमें देखिए ये फ्रंट में टू हेडलाइट्स रहते हैं और जस्ट उसके बैक अपोजिट में दो हेडलाइट रहते हैं। ये देख लीजिए एंड इसको बनाने का एल्गोरिदम है फ्रंट फिर थ्री टाइम्स सेक्सी मूव्स। ये राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड देन फ्रंट इन्वर्टेड एंड फास्ट में। फिफ्थ इजी ओएलएल कैसा है ये ओएलएल 47। ये देखिए ये एल शेप में बना रहता है एंड टू हेडलाइट्स इस साइड रहते हैं लेफ्ट साइड एंड ऐसा रहता है। एंड इसको बनाने का एल्गोरिदम है फ्रंट एंड देन टू टाइम्स सेक्सी मूव्स। ये और राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड फ्रंट फर्स्ट में। इजी ओएलएल कैसा है ओएलएल 48। ये वाला केस जस्ट इसके पहले ओएलएल 47 का जस्ट अपोजिट है। ये वाला इसके पहले का, इसमें हमने एल्गोरिदम यूज किया था फ्रंट राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड फ्रंट इन्वर्टेड एंड इसमें जस्ट उसके लेफ्ट साइड से फ्रंट लेफ्ट इन्वर्टेड लेफ्ट अप लेफ्ट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड लेफ्ट अप एंड देन फ्रंट एंड फास्ट में। इजी ओएलएल केस है ओएलएल 51। ये देखिए इसमें ये लाइन बना रहता है एंड दो इस साइड रहता है एंड जस्ट अपोजिट सेम इस साइड रहता है बैक में भी एंड हेडलाइट्स राइट साइड रहता है। एंड इसको बनाने का एल्गोरिदम है फ्रंट अप राइट अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड अप राइट अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड एंड देन फ्रंट इन्वर्टेड। इसको फास्ट में। जी ओएलएल कैसा है ओएलएल 27। ये एंड इसको बनाने का एल्गोरिदम है राइट अप राइट इन्वर्टेड अप राइट अप टू राइट इन्वर्टेड फास्ट में।
ओएलएल केस है, ओएलएल 26, ये वाला इसके पहले ओएलएल 27 के जस्ट अपोजिट है। ये देखिए इसके पहले वाले में ये था, इसके पहले वाले में हमने एल्गोरिदम यूज किया। इसके पहले वाले में देखिए ये हेडलाइट, ये आगे एक ये वाला, ये मेन है ना, ये कॉर्नर पर इसी साइड बना हुआ है, एंड एक ही सामने है, एक राइट एंड एक बैक में। और ये वाले में देखिए एक लेफ्ट में है, एक बैक एंड एक लेफ्ट में। ओके, एंड इसमें हम लोगों ने एल्गोरिदम यूज किया था इस साइड से, यहाँ से राइट अप राइट इन्वर्टेड अप राइट अप टू राइट इन्वर्टेड। सेम इसमें भी, इसमें यहाँ पे को फ्रंट रखना है, इसको फ्रंट रखना है, एंड इसका एल्गोरिदम है राइट अप टू राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड राइट अप इन्वर्टेड राइट इन्वर्टेड एंड फास्ट में। टेंथ ईजी ओएलएल कैसा है, ओएलएल 33। इसमें ये देखिए, इसमें ये टी शेप में बना रहता है, लेकिन इसमें देखिए ये दो आगे साइड रहता है और जस्ट अपोजिट बैक में रहता है, फ्रंट में रहता है और दो बैक में रहता है। एंड इसको बनाने का एल्गोरिदम है राइट अप राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड, देन दूसरा राइट इन्वर्टेड फ्रंट राइट फ्रंट इन्वर्टेड एंड फास्ट में। सो ये था हमारा 10 EG OLL केसेस। सो होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप कमेंट में कीजिए अगर आपको और कोई सा ईजी, आपको और कोई सा अच्छा वीडियो चाहिए, क्यों टॉपिक बताइएगा जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। सो OLL में 57 केसेस रहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा इजी भी रहता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको ओनली 10 बताया, 10 इजी बताया। सो होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।